वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके होंगे वीडियो किस पर है, तो आज की वीडियो आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ऊपर इस वीडियो को बनाए गए हैं, जिसमें आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन की कुछ विशेषताएँ के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ उनका बाल्यकाल की अवस्था से लेकर जो वृद्धावस्था तक जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है इसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग को इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि उनका जीवन कैसा व्यतीत हुआ, उन्होंने कहाँ पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, उनका जीवन कैसा हुआ, उनका जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग को संविधान के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है, और इस वीडियो में आप लोग को संविधान की जयंती के ऊपर आज बाबा साहब अम्बेडकर जो कि 14 अप्रैल को उन्होंने उनका जन्म बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जिस पर आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है। अम्बेडकर का 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर एक सर्वश्रेष्ठ भारत के सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे सर्वप्रथम नागरिक थे, जिन्होंने बहुत ही उच्च डिग्री प्राप्त किया था और जाने माने पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ थे। उनका जीवन पुस्तक में ही व्यतीत हुआ है। वे सिर्फ 2 घंटे सोते थे और बाकी समय पुस्तक और अपने जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने में व्यतीत करते थे। तो आज की वीडियो आप लोग को बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन रूटीन उनका जीवनचर्या के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वेलकम बैक माय चैनल, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और 2 घंटे के दौरान चलिए लाइक स्टार्ट करते हैं। आज जो कि 14 अप्रैल है, आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जिस पर सभी भारत में अम्बेडकर जयंती सर्वश्रेष्ठ मनाया जाता है। उत्साह से बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती समारोह मनाया जाता है और फूलों से पुष्प से स्वागत किया जाता है और नारियल खोलकर और उनका अभिवादन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, जो कि जो आने वाले युवा के लिए प्रेरणादायक स्रोत हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है। सभी को समानता का अधिकार, सभी को एक समान अधिकार, सभी को एक समान अधिकार का संविधान में उन्होंने लिखा है, जिस पर सभी नागरिक को अपना अपना सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और नागरिकता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार संविधान में दर्ज किए गए हैं, जिससे जाति प्रथा खत्म हो सके, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत ये सभी को मिटाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है। अपने जीवन में उन्होंने बचपन से ही छुआछूत अडंबर को देखते हुए उनका जीवन बहुत ही कष्ट में व्यतीत हुआ। उन्होंने बचपन से ही यह ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर एक बैरिस्टर यानी कि वकील बनकर एक सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखूंगा, जिसको पूरा भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, संविधान लागू किया जाएगा और जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है वे अपने संविधान पर अमर हैं। संविधान से ही उनका जीवन सुखमय व्यतीत हुआ और मृत्यु की अवस्था तक में संविधान आज भी जीवित है, अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हमारे पास हैं, जो कि संविधान के रूप में हम भली भांति जानते हैं, देखते हैं उनका जो संविधान में जो उद्देश्य दिया है हमको, क्या क्या नागरिकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी अधिकार हम लोग को दिया है संविधान में दर्ज किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस उद्देश्य से हम चलें, अपना जीवन व्यतीत करें, इसलिए संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए लिखा है। भले बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट में व्यतीत किया, उनका पालन पोषण गरीबी में व्यतीत हुआ, उनका शिक्षा दीक्षा भी बहुत ही कमय था, छुआछूत था, जाति प्रथा था, इसलिए उनका शिक्षा बहुत ही कष्टमय था। उनको क्लास में कक्षा में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था, बाहर में बैठा कर पढ़ाया जाता है, बहुत ही कष्टमय है। मैंने उनका बाल्यावस्था का पुस्तक पढ़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर का मैंने पुस्तक पढ़ा, जो कि 6 दिन तक मैंने पढ़ा और 6 दिन मैं उस चैप्टर को अध्ययन करने के बाद मैंने उसमें कुछ मुख्य बिंदुओं को नोट किया, जिसको इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ और आप लोग को बताऊँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसे सर्वश्रेष्ठ बने, उनका जीवन कैसा व्यतीत हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखे, कैसा संविधान उनका सोच में कैसे संविधान लिखना चाहिए, कैसा उद्देश्य लेकर चलना चाहिए, इस पर इस वीडियो को बताया गया है। तो चलिए आप लोग बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को मैं उसका जीवन के बारे में बताता हूँ
और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का एक पुस्तक है जिसको आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर ऐप का लिंक दे दूंगा जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी भी दिया गया है और कुछ पुस्तक भी है, उसको भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग पढ़ें और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानें। तो चलिए लेटेस्ट का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल घंटे के बाद चलिए लेटेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन के बारे में। बचपन में उन्होंने शिक्षा दीक्षा बहुत ही कष्टमय ली थी। उद्देश्य से बचपन से ही उसका उद्देश्य था कि वे एक वकील बने, अपना संविधान लिखे, लेकिन उनका जो सपना है वे कॉलेज के बाद मुख्य बिंदु के नोट में नोट करते हुए उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, जीवन के बारे में जाने। उनका बाल्यकाल की रास्ता बहुत ही कष्टमय था और बहुत ही निम्न परिवार से थे, उनका आर्थिक स्थिति भी बहुत ही निम्न था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की सभी को न देखते हुए अपने जो उद्देश्य है, संविधान लिखने का उद्देश्य है, अपने जीवन में कुछ उद्देश्य बनाकर चलते थे और उनका जीवनचर्या बहुत ही सदमय था। सदुपयोग करते थे, समय का सही सदुपयोग करते थे। वे प्रतिदिन 2 घंटे सोते थे, बाकी समय में कुछ समय आराम करते थे, नहाते थे, खाना खाते थे, फिर पुस्तक में वे लीन रहते थे, 24 घंटा पुस्तक ही पढ़ते थे और पुस्तक में खो भी जाते थे, जिससे बाहरी जो दुनिया के बारे में वे भूल जाते थे, सिर्फ पुस्तक में फोकस करते थे, जिससे आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अर्थात संविधान के जाने माने विख्याता के रूप में जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर को। तो आज के दिन अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में कुछ पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल घंटे भी दबा दें। और इस वीडियो में आप लोग को बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ पिक्चर्स फोटो भी दिखाऊँगा, उनका जो बाल बच्चे, उनका जो परिवार का मैं फोटो यहाँ पर वीडियो में दिखाता हूँ, तो फोटो से आप लोग एंजॉय करें। और बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो देखिए पूरा वीडियो। इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं नए टॉपिक पर अच्छे रिलेटेड, तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ पर 2 वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो क्लिक करें और देखेंगे।